हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो 24/7 बिगनिंग ऑफ विनिंग। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज देखेंगे मई मंथ के, वो सारे इम्पॉर्टेंट डेज जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके भी देख लेंगे, और जहाँ पर थीम की ज़रूरत पड़ी उस डेट से रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट है फर्स्ट मई। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मई जैसा कि आपको पता होगा, इस दिन इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं, और इसी को हम लोग मई दिवस भी बोलते हैं, मई डे। फ्रेंड, तो ये फर्स्ट मई को क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे। उसके बाद फर्स्ट मई के ही दिन 1960 को, फर्स्ट मई के दिन 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग स्टेट बने थे। फर्स्ट मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग स्टेट बने थे, कौन से ईयर में, 1960 को। फ्रेंड्स, यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, और साथ ही साथ यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। और गुजरात में जो सीएम है, गुजरात के सीएम कौन है, आज हमारे विजय रूपानी है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, गांधीनगर। तो ये था सारा फर्स्ट मई से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मई। फ्रेंड्स, थर्ड मई को हम लोग प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, और फ्रेंड्स ये जो प्रेस फ्रीडम डे है ये इंटरनेशनली मनाते हैं, इसको यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी बोलते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी बोलते हैं। और ये कब मनाया जाता है, थर्ड मई को मनाया जाता है, और इस बार का इसका थीम जो था वो था जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। फ्रेंड्स, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये हर साल एक इंडेक्स भी जारी करता है, जिसमें इस बार 2020 के इंडेक्स में, 2020 के इंडेक्स में नॉर्वे जो था वो फर्स्ट नंबर पे था, और जो इंडिया इंडिया का रैंक था वो था 142। पिछले साल भी इंडिया का रैंक 142 ही था 2019 में, और इस बार भी 142। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ मई। फ्रेंड्स, फोर्थ मई को कोल माइनर्स डे मनाते हैं, और फोर्थ मई को ही एक और डे है हमारा, वो है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पूरा फोर्थ मई का। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ मई। फ्रेंड्स, फिफ्थ मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं, और ये इस मतलब हर बार ये फर्स्ट ट्यूसडे को मनाते हैं, मई मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे को, और इस बार ये फिफ्थ मई पड़ा था। फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड अस्थमा डे है इस बार इसका थीम था इनफ अस्थमा डेथ्स। इस बार का इसका जो थीम था वो था इनफ अस्थमा डेथ्स। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ मई। फ्रेंड्स, सेवेंथ मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी मनाते हैं, और फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट टाइम जब मनाया गया था वो था 1996 को, सेवेंथ मई ऑफ 1996 को फर्स्ट बार वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया था। और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते होंगे, जो हमारा राष्ट्रगान है वो कौन लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं लिखे थे, और रविंद्रनाथ टैगोर को ही सबसे पहले ऐसे इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और नोबेल प्राइज़ किस में मिला था फ्रेंड्स, लिटरेचर में मिला था, कब, 1913 में मिला था, किस चीज़ के लिए, इनकी जो बुक थी गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है हमारा एट्थ मई। एट्थ मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो सबसे पहले नोबल पीस प्राइज़ के जो रिसिपेंट थे वो थे हमारे हेनरी दुनॉट। ठीक है, हेनरी दुनॉट, और इन्हीं के जन्म दिवस पर, ये इनका जन्म जो हुआ था वो मई एट्थ को हुआ था, 1828 को। तो इन्हीं के जन्मदिन पे हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही एक कमेटी बनाई थी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC, वो इन्होंने ही बनाई थी, किन्होंने, हेनरी दुनॉट ने।
तो इन्हीं के जन्मदिन पे हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, कब, 8 मई को। नेक्स्ट है हमारा थैलेसीमिया डे, और ये भी कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं। और इस बार जो थैलेसीमिया डे का थीम था वो बहुत ही बड़ा था, ध्यान से सुनिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है डायरेक्ट, था द डॉनिंग ऑफ न्यू एरा, द डॉनिंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। ठीक है, द डॉनिंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये था पूरा इसका थीम, किस चीज़ का, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, और कब मनाया जाता है, ये 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 11 मई, फ्रेंड्स 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया, नेशनल है मतलब इंडिया में मनाया जाता है, और ये किस लिए मनाया जाता है, आपको याद होगा जो पोखरण में सबसे पहले जो न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी वो हुई थी इसी दिन 11 मई को हुई थी, कब, 1998 को। और इस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्हीं के, सॉरी, जब वो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उस समय ये न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई थी 11 मई को, और उन्हीं इसी डेट को हम क्या मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और फ्रेंड जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ये सबसे शॉर्टेस्ट टर्म के लिए पीएम बने थे, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, सिर्फ 16 डेज के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो पीएम थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा 12 मई, और फ्रेंड्स जो 12 मई को मनाते हैं वो है इंटरनेशनल नर्सेस डे। ठीक है, और इस बार जो इसका थीम था वो था अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, कब मनाते हैं नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे, 12 मई को। नेक्स्ट है हमारा 15 मई, फ्रेंड्स 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, और इस बार जो इसका थीम था वो था फैमिलीज इन डेवलपमेंट, फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कॉपेनहेगन एंड बीजिंग, कॉपेनहेगन एंड बीजिंग +25। फ्रेंड्स ये 25 क्या है, ये इस बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया गया था ये 25th नंबर का था। ठीक है, तो जो 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17 मई, फ्रेंड 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, और इस बार जो इसका थीम था वो था कनेक्ट 2030, ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG। ठीक है फ्रेंड, ये ICT क्या है, ICT है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है फिर 17 मई को ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, और इस बार का जो थीम था वो था मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लीव लॉन्गर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लीव लॉन्गर। नेक्स्ट है हमारा 18 मई, 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स आपको पता होगा एड्स के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आई है, ठीक है, तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है 18 मई को, और इसी दिन इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है 18 मई को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 21 मई, फ्रेंड्स 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये 21 मई वो वही दिन है जिस समय राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था तमिलनाडु में एक चुनावी रैली में, 21 मई 1991 में उनका एसेसिनेशन हुआ था, डेथ हो गया था, उन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, ह्यूमन बॉम्ब था,
और जो राजीव गांधी थे वो कौन थे, सेवेंथ पीएम थे, और ये सबसे यंगेस्ट पीएम बनने वाले, पहले पहले क्या है, अभी तक जो भी सबसे यंगेस्ट पीएम है वो है राजीव गांधी, 40, अपने 40 साल के एज में ये पीएम बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22 मई। फ्रेंड्स 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, और इसे यूएन सेलिब्रेट करता है। यूएन सेलिब्रेट करता है किसे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे को। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बार का जो इसका थीम था वो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, यहाँ पर यूएन की बात हुई है, तो यूएन का आपको हेडक्वार्टर पता होगा कहाँ है, न्यूयॉर्क में यूएन का हेडक्वार्टर है, और इसमें जो मेंबर कंट्री है वो है 193 मेंबर कंट्री प्लस 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है फ्रेंड्स, 193 इसके क्या है, मेंबर है, और इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ यूएन में। ठीक है, और यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये था सारा यूएन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा 31 मई। फ्रेंड्स 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड टोबैको डे। ठीक है, तो ये था पूरा फ्रेंड्स मई मंथ का, मई मंथ के पूरे इम्पॉर्टेंट डेज। और फ्रेंड्स यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसके पहले मैं अप्रैल मंथ का पूरा वीडियो बना चुका हूँ इससे रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। ये मई मंथ का था, मैं हर मंथ के एंड में उससे रिलेटेड सारे डेज का वीडियो बना दिया करता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली उसे बता सकें, उसका आंसर दे सकें। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।